आज बात करते हैं कि एक एंड्रॉयड डेवलपर कैसे बने, क्या रोड मैप फॉलो करें। जब आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनने का सोचते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं कि ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ये भी जानना है, वो भी जानना है, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है आज के टाइम पर। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिससे आप शुरू कर एक बिगिनर एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे और एक बेसिक अच्छा जॉब ले लोगे, वहां से आगे का क्या बात होगा वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते किसी भी चीज़ को जब आपको सीखना है, जैसे एंड्रॉयड सीखना हो, वेब डेवलपमेंट सीखना, कुछ भी सीखना है, सबसे पहले चीज जरूरी है द मास्टरी ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आज के टाइम पे एंड्रॉयड एप्स दो तरह से लिखे जाते हैं, जावा में लिखे जाते हैं और कोटलिन में भी लिखे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोटलिन काफी ज्यादा फेमस हो गया और कोटलिन इज द गो टू वे टू राइट एप्स। तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो ओवरवेल ना हो जाए कि अरे मुझे जावा भी सीखना पड़ेगा, मुझे कोटलिन भी सीखना पड़ेगा, मुझे जावा में डेटा स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, कोटलिन में ऑप्स सीखना पड़ेगा, इसमें ऑप्स सीखना पड़ेगा, इसमें वो भी सीखना पड़ेगा। नहीं, इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बेसिक कोटलिन समझिए, कोटलिन पर ढेर सारा टाइम स्पेंड कीजिए, उस पर अपना हाथ बैठा लीजिए। जावा नहीं भी सीखेगा अभी के लिए तो चलेगा। और इतना ही नहीं, कोटलिन में बहुत ज्यादा DSA, बहुत ज्यादा ऑप्स कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में घुसते हो तो आपको स्पेशली एट अ बिगिनर लेवल बहुत ज्यादा टाइम लॉजिक बिल्डिंग में लगाना होता है कि मैं ये इनपुट ले रहा हूं, ये इवेंट हो रहा है, इस इवेंट पे ये इनपुट आ रहा है, इसको मुझे प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके आउटपुट दिखाना है, एक API कॉल करना है। तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान है, तो आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो आप बेसिक पढ़ो, लैंग्वेज सीखो, लॉजिक सीखो और आगे बढ़ो। स्टेप टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वर्जन कंट्रोलिंग सीखना। वर्जन कंट्रोल बहुत बड़ा वर्ड लगता है, तो समझते हैं कि गिट सीखना जरूरी है, ताकि आप अपने एप्स को वर्जन कंट्रोल कर सके, आपको समझ में आए कि क्या कमिट हुआ है, रोल बैक कर सके। बहुत सारी चीजें हैं इसके अराउंड। अगर आप एक ऐप लिख रहे हो, आप सीरियस डेवलपर बन रहे हो आज के ज़माने में, तो विदाउट गिट तो आप सीरियस डेवलपर नहीं बन सकते। तो ये सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लैंग्वेज लॉजिक के बाद गिट सीखना। तीसरी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो है अब टूल सीखना। टूल में दो चीज़ें समझनी जरूरी हैं, एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको एंड्रॉयड SDK समझ में आना चाहिए। और एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों समझना, क्योंकि जो पूरा का पूरा आप ऐप रन करोगे, बनाओगे, वो सब आप स्टूडियो पर ही चलाओगे, उसको डीबग करना है, उसको टेस्ट करना है, उन सब के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में ही टूल्स आते हैं। तो एक तो एंड्रॉयड SDK हो गया, जिससे आपको समझ में आता है कि कौन सा वर्जन का एंड्रॉयड आप चला रहे हो, और दूसरा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस यानी कि AVD। उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग फोन्स पे टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग वर्जन के साथ टेस्ट कर सकते हैं विदाउट बाइंग अ न्यू फोन। तो फोन खरीदना जरूरी नहीं है। इस बात के लिए मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट पे जोर देता हूँ। उसका एक रीजन ये भी होता है कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारा SDK समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो अपने लैपटॉप पर चलाते हो, AVD चलाते हो, इन चीजों को चलाते हो, तो काफी ज्यादा RAM और CPU रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। तो अगर आपके पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप नहीं है, बहुत अच्छा मशीन नहीं है, तो शायद एंड्रॉयड स्टूडियो करने में आपको थोड़ी मुश्किल पड़े। तो ऐसा करने के लिए आप वेब से भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते। रुक जाओ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो भी एक पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो वो कमेंट में जरूर लिखते जाना। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट, अब आपको काफी कुछ आ गया, आपको लैंग्वेज आ गया है, आपको गेट आ गया है, आपको टूलिंग आ गई है, तो अब आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना शुरू करना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप बस पढ़ते रह जाते हो, ट्यूटोरियल देखते रह जाते हो, कुछ बनाते नहीं हो, तो आपको खुद से वो कॉन्फिडेंस, वो समझ नहीं आती। और जब आपको जॉब के लिए जाना होता है तो आपको अपना एक ऐप तो दिखाना ही होता है। जब आप ऐप बना रहे हो तो आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे, जैसे कि इंटरेक्शंस कैसे कंट्रोल करें, एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल करें, इंटेंट्स कैसे कंट्रोल करें। इतना ही नहीं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल कैसे मैनेज करना है, सर्वर से डेटा कैसे लाना है, क्लाइंट पे डेटा कैसे रखना है, क्लाइंट पे डेटा रखने के भी अलग अलग तरीके हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो इन सब चीजों को आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आप ये सब चीजें बस कॉन्सेप्ट में मत पढ़ो, एक ऐप बनाओ। एक ऐप, दो ऐप, तीन ऐप बनाते बनाते ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे जो शायद मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स ऐप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ सीख जाओगे। अब कॉम्प्लेक्स ऐप क्या होता है, आप शुरुआत तो बहुत बेसिक से एक ऐप से कर सकते हो, जिसमें एक डेटा आता है, डेटा दिखाया जाता है, बहुत छोटे छोटे ऐप से शुरू कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऐप, जैसे कि आप एक न्यूज़ रीडिंग ऐप बनाओ, आप एक ई कॉमर्स ऐप बनाओ, जब भी आप ऐसे ऐप्स में घुसोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके साथ साथ जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आप वो सब सीख जाओगे। और सब पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाओगे, और एक बिगिनर डेवलपर के लिए ये काफी है। अब जो एक बिगिनर डेवलपर हो गए हो, आपने
एंड्रॉइड डेवलपमेंट की एसडीके को, एंड्रॉइड में लाइफ साइकिल को, इंटेंट को, ये छोटी छोटी सारे पीछे समझ कर एक ऐप बना लिया है, तो आप थोड़े एडवांस टॉपिक्स में भी घुस सकते हो। थोड़ा सा इंटरमीडिएट टॉपिक क्या होगा, ग्रेडल को समझना। ग्रेडल जो है वो एंड्रॉइड का बिल्ड सिस्टम है, एंड्रॉइड स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट आता है। ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है, सब कुछ कर सकता है आपके ऐप को। तो इसको थोड़े बारीकी में समझना। अभी तो आप जब रन करते हो तो ये ऑटोमेटिक रन करके सब कुछ कर देता है, लेकिन इसको बारीकी में समझना, इसके साथ खेल पाना, इसको अपने हिसाब से यूज कर पाना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके अलावा आप रिसाइक्लर व्यू को भी समझ सकते हो। रिसाइक्लर व्यू फिर से वही परफॉर्मेंस की बात आ जाती है कि जब आपके पास एक काफी बड़ा ग्रिड ऑफ डेटा है तो आप इसको कैसे एक बार में दिखाओगे और कैसे मैनेज करोगे इस चीज को कि सारा का सारा डेटा क्लाइंट पर आके रह ना जाए और क्लाइंट को स्लो ना कर दे। तो अगर आप एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, एक ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो, एक न्यूज ऐप बना रहे हो जिसमें एक इनफाइनाइट स्क्रॉल को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसके परफॉर्मेंस को हैंडल करने के लिए आप रिसाइक्लर व्यू यूज कर सकते हो। अगेन, ये एक इंटरमीडिएट टॉपिक है, पहली जॉब के लिए जरूरी नहीं है ये करना। देखो, बार बार हम ये गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ सीखकर एक ही बार बड़ा हाथ मारेंगे, एक ही बार 20 लाख के जॉब में जाएंगे, 10 लाख के जॉब में जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस रोड मैप को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज जो आपको इस रोड मैप सीखनी चाहिए कि आपको खूब सारा समय लैंग्वेज और लॉजिक पे लगाना चाहिए। एंड्रॉयड शुरू करने के पहले कोटलिन को अच्छे से समझना और उसके साथ खूब सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, अगेन डीएसए नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन बिल्ड करके अपना बेस आपको बिल्ड करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए इस रोड मैप से वो ये है कि सिर्फ पढ़ो मत, बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं आपके। तीसरी चीज जो आपको समझनी चाहिए कि अब सिर्फ पढ़ते ही मत रह जाओ, अब सिर्फ प्रोजेक्ट ही मत बनाते रह जाओ। जैसे ही आपने इतना सीखा, बाकी चीजें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन आप जॉब इंटरव्यूज देना शुरू कर दो। आप 2 या 3 ऐप अगर आपने होस्ट कर दिए हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो बिल्कुल ही आपको एक बढ़िया एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी, 3 से 5 लाख की एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जैसे ही आप उस जॉब में घुसोगे, ये चीजें आपको वैसे भी सीखनी पड़ जाएंगी, पैसा भी बनाओगे, सीखोगे भी। और क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि करियर में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब रोड मैप्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एडवांस हो जाओ, बिल्कुल क्यों, पहले आप अपना करियर शुरू तो कर लो, इतना सीखो, शुरू करो, उसके बाद बिल्ड होता जाएगा, लर्निंग भी बिल्ड होती जाएगी और एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता जाएगा, और कुछ ही सालों में आपको बहुत अच्छी सैलरी और एक बहुत अच्छी कंपनी मिल जाएगी। इन्हीं 3 चीजों में स्टूडेंट्स को देखता हूं जब भी वो रोड मैप फॉलो करते हैं, यही 3 गलती करते हैं। पहली गलती वो करते हैं कि बेसिक्स पे टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, सीधे डीएसए पे कूदने चले जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी गलती वो करते हैं कि ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं। क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं कि भैया ने रोड मैप में ये टॉपिक बोला था, चलो ये टॉपिक भी 10 मिनट बना लेते हैं, ये भी 10 मिनट बनाते हैं, उसको एग्जाम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और तीसरी गलती क्या करते हैं कि जब अगर सच में कुछ सीख भी जाते हैं, इन 2 गलतियों से ऊपर उठकर कुछ सीखते हैं 3rd में, तो फिर बोलते हैं अब तो हम इतना आ गया है कि अब तो हमें 10 लाख के नीचे की जॉब में हम तो जाएंगे ही नहीं बाबा, और बैठे रहते हैं, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। ये 3 गलती आप अगर नहीं करो तो आप इस रोड मैप से सही में कुछ सीखकर जाओगे। एंड्रॉइड रोड मैप पे एंड्रॉइड डेवलपर के बारे में मुझे और बहुत सारी बातें करनी है, अगर आपको भी वो बातें चाहिए, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट के बाद एडवांस क्या होता है, तो आप जरूर से कमेंट में ये लिखते जाना, भैया रोड मैप पार्ट 2 बना दीजिए। अगर आपको भी ये समझना है कि इस रोड मैप में आगे क्या करना है, पहली जॉब के बाद क्या करना है, तो आप जरूर कमेंट करना कि रोड मैप पार्ट 2 बना दीजिए, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।